नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पर्यटन क्षेत्र के टॉप 5 राज्यों में बिहार को लाने की तैयारी। बिहार में लग रहे नए उद्योगों में ऐसे पाए नौकरी। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया जिंदगी का फनी OMG मोमेंट। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। भारत इंटरनेट उत्सव में भाग ले जीते पुरस्कार। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DSSSB ने 1841 पदों पर निकाली भर्ती। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1841 TGT, PGT प्रयोगशाला सहायक और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। DSSSB में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। TGT व PGT पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विषय में बैचलर्स व मास्टर डिग्री के साथ ही BEd डिग्री होनी चाहिए। सभी पदों के लिए योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत अब मिलेगी इतनी राशि। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब इसके तहत मुआवजे के रूप में स्थायी अपंगता होने पर 75,000 रुपए के बदले 1,00,000 रुपए, तो वहीं आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपए के बदले 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि कार्य के दौरान प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपए के बदले 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में 500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी गई है, जिनमें वर्ष 2018 से 19 में 121, वर्ष 2019 से 20 में 99, वर्ष 2020 से 21 में 91, वर्ष 2021 से 22 में 74 और वर्ष 2022 से 23 में 136 श्रमिक मजदूरों को अनुदान दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र के टॉप 5 राज्यों में बिहार को लाने की तैयारी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के द्वारा नई पर्यटन नीति बनाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास, पर्यटन के संस्थागत ढांचे का विकास, नियामक ढांचे में सुधार और उसका उन्नयन करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नई नीति में पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी ढांचे के निर्माण हेतु उद्यमियों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, ताकि राज्य में एक कुशल और प्रभावी पर्यटन का विकास हो सके। इस नई नीति से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के मामले में विदेशी पर्यटकों की श्रेणी और देसी पर्यटकों की श्रेणी में टॉप 5 और टॉप 10 की श्रेणी में आना हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए शांतिपूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के पर्यटन क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए 5 भागों में विभक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के माध्यम से नव उद्यमियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार के उपभोक्ताओं को मिल सकती है सस्ती बिजली। ऊर्जा मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट का उत्पादन दिन में 40% पर लाने का टास्क दिया है। यह देश में टाइम ऑफ डे टैरिफ यानी कि दिन और रात में अलग अलग बिजली दर लागू करने की दिशा में पहली कार्रवाई है। ऐसे में डिमांड से अधिक उत्पादन होने पर आर्थिक रूप से घाटा होगा। इस कारण सूर्यास्त होने पर थर्मल पावर प्लांट डिमांड को अनुरूप फुल लोड पर चलाया जाएगा। NTPC के वरीय अधिकारियों के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट का 40% पर चलाने की दिशा में मंथन चल रहा है। आपकी जानकारी बता दी कि बिहार में टाइम ऑफ डे टैरिफ का लाभ केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले को मिलेगा। मालूम हो कि अभी NTPC के द्वारा ऑलर से उत्पादित 300 मेगावाट बिजली बिहार को दी जा रही है। वहीं अगर TOD लागू होता है तो सेंट्रल पूल से सोलर पावर प्लांट की बिजली दिन में थर्मल पावर से करीब 20% सस्ती मिलेगी। इसका सीधा लाभ बिहार को मिलेगा, इससे लोगों को दिन में सस्ती बिजली मिलेगी। भारत इंटरनेट उत्सव में भाग ले जीते पुरस्कार। भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से भारत इंटरनेट उत्सव की शुरुआत की गई है, जो कि 21 अगस्त तक चलेगी। इस अभियान के तहत देश भर में खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट के इस्तेमाल से आए बदलावों को अंकित किया जा रहा है। लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वह वास्तविक जीवन की कहानियां इस प्रतियोगिता में शेयर करें। बता दें कि भारत इंटरनेट उत्सव में अपने अनुभव साझा करने वाले लोगों में से 3 लकी विजेता चुने जाएंगे। उनमें पहले विजेता को 15,000 रुपए, दूसरे को 10,000 रुपए तथा तीसरे को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत प्रतिभागी की उम्र 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रतिभागी अधिकतम 2 मिनट की अवधि का अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं।
इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करने वक्त हैशटैग भारत इंटरनेट उत्सव हैशटैग का इस्तेमाल करना होगा। प्रविष्ट में कोई भी उत्तेजक, आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री या अनुपयुक्त अश्लील वीडियो नहीं होनी चाहिए। नाम, फोटो, पूरा पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसे डिटेल्स देना अनिवार्य है। शेयर की जा रही वीडियो कम से कम 30 सेकंड की होनी अनिवार्य है। वीडियो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट दोनों में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो 16:9 होना जरूरी है। टाइम लैप्स सामान्य मोड में कलर और मोनोक्रोम दोनों तरह के वीडियो स्वीकार किए जाएंगे। ध्यान रखा जाना जरूरी है कि फिल्म वीडियो अच्छी क्वालिटी के कैमरा मोबाइल फोन में शूट किए गए हों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी अब क्वालिफाइंग अंक में देगी छूट। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधानों में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब शिक्षक नियुक्ति में कुल रिक्ति या कुल अभ्यर्थी दोनों में जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने के लिए आवश्यकता अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में छूट दी जाएगी और कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा आरक्षण श्रेणीवार तय किए जाएंगे। न्यूनतम अर्हतांक अभ्यर्थी हित में शिथिल रहेंगे। बता दें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए 50 से अधिक आवेदन पड़े हैं। ऐसे में यहाँ रिक्तियों के 75% तक कट ऑफ के लिए जितने अंक की जरूरत होगी उतनी छूट मिलेगी। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए रिक्ति से कम आवेदन है। ऐसे में आवेदकों की कुल संख्या के 75% तक चयन होने के लिए विभिन्न कोटियों के कट ऑफ में जरूरत के अनुरूप छूट दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा से कुल 1,70,461 रिक्तियों को भरा जाना है। साइबर ठगी करने वाले 100 एप्लीकेशन और 4,000 नंबर को कराया बंद। इन दिनों बिहार में साइबर अपराध के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए साइबर सेल के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही और साथ ही लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हालिया दिनों में साइबर ठगी से जुड़े 100 एप्लीकेशन और 4,000 नंबर को बंद कराया गया है। उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए बिहार के प्रत्येक जिला रेल थाना सहित साइबर पुलिस थाना खोला गया है। वहीं 3,000 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार साइबर अपराध समन्वय केंद्र की भी स्थापना की गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे दशरथ मांझी स्मारक के बारे में। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून का मिसाल है, जिन्हें उनके साहसिक कार्यों के कारण माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। दशरथ मांझी बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ मांझी द्वारा बनाई सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। समाज के विकास में उनके द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय है। दशरथ मांझी के जीवनी को चलचित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है। इनके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी काफी प्रचलित है। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया जिंदगी का फनी ओएमजी मोमेंट। इन दिनों ओएमजी 2 का प्रमोशन चल रहा है। ऐसे में बिहार के लाल पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के द्वारा फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। इसी कड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों के द्वारा अपने जिंदगी की फनी ओएमजी मोमेंट शेयर की गई, जिसमें पंकज त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि उनका ओएमजी फनी मोमेंट को गदर 2 से कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी फिल्म ओएमजी 2 की स्क्रीनिंग सनी सुपर साउंड में थी, जहां उन्हें उनके ठीक पीछे सनी देओल दिखे। ऐसे में उन्हें ऐसा लग रहा जैसे सनी देओल इन्हें घूर रहे थे। इस पर पंकज त्रिपाठी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कर लिया, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहां गदर का कटआउट पोस्टर लगा हुआ था। बिहार में लग रहे नए उद्योगों में ऐसे पाए नौकरी। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है, जिससे कि आप घर बैठे अपने लिए नौकरी की तलाश कर सकते हैं। दरअसल अगर आपका भी इच्छा है कि आप बिहार में लग रहे नए उद्योगों में काम करें, तो बता दें कि आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। बिहार सरकार की ओर से बिहार में लग रहे नए उद्योगों के लिए अनुभवी कारीगरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अगर आप भी इन उद्योगों में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वेबसाइट https://bihar.hai.tayyar.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको अपनी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी, जो भी उसमें मांगा गया हो। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम।
बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स कोलंबर के पास हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ सड़क जाम कर अपनी अपनी हाथों से चूड़ियां निकालकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि इन 14 सूत्री मांगों में आशा कार्यकर्ता की 3 मांग प्रमुख है, जिनमें पहली मांग यह है कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवा को नियमित किया जाए, दूसरी मांग यह है कि उन्हें 25,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। बता दें कि इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम भी दिया गया और कहा गया कि उनकी 14 सूत्री मांगों पर विचार किया जाए, नहीं तो 11 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए आमरण अनशन किया जाएगा। नगर निगम की बैठकों में शामिल नहीं होंगे सांसद या विधायक के प्रतिनिधि। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आदेश देते हुए कहा गया है कि अब किसी नगर पालिका की बैठक में राज्यसभा या लोकसभा के सांसद तथा विधान परिषद या विधानसभा सदस्य के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, बल्कि इन बैठकों में संबंधित जन प्रतिनिधियों को स्वयं शामिल होना होगा। बता दें कि इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के द्वारा सभी नगर निगम के नगर आयुक्त और सभी नगर परिषद या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। मालूम हो कि पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि अब नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अपनी गाड़ी पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि लिखे किसी बोर्ड को नहीं लगा सकते। हालांकि निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद अपनी गाड़ी पर अपने पदनाम वाले बोर्ड लगा सकते हैं। बिहार में पटना और भागलपुर से शुरू होगी क्रूज यात्रा। इस महीने से बिहार वासियों को गंगा की सैर करने में ज्यादा रोमांच आने वाला है। दरअसल अब बिहार वासी क्रूज पर सवार होकर गंगा की लहरों का मजा ले सकेंगे। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना और भागलपुर में बहुत जल्द ही क्रूज सेवा की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए बिहार पर्यटन विभाग की ओर से 2 क्रूज भी मंगवाए गए हैं, जिनमें 300 पर्यटकों की क्षमता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से क्रूज के संचालन के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि पहला क्रूज जो कि पटना के दीघा घाट यानी कि जनार्दन घाट से कंगन घाट तक लोगों को सैर कराएगा, तो वहीं दूसरा क्रूज जो कि सुल्तानगंज से भागलपुर तक पूरे डॉल्फिन सेंचुरी की यात्रा कराएगा। हालांकि अब तक इस क्रूज के किराए को लेकर विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ऑटो में बने तहखाने से 3 लाख की शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। एक तरफ जहां शराब तस्कर के द्वारा शराब तस्करी के नए नए तरीकों को निजात किया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की ओर से भी इन शराब तस्करों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला छपरा का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश से सोनपुर लाई जा रही ऑटो की छत पर बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड के 146 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार के द्वारा दी गई है। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के परेड में शामिल होंगे 17 टुकड़ियां। बिहार की राजधानी पटना में हुई लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी बारिश के बाद भी परेड की तैयारी की जा रही है। बता दें कि परेड का अंतिम रिहर्सल गांधी मैदान में 13 अगस्त को किया जाएगा। मालूम हो कि इस परेड में CRPF, CISF, SSB, पुरुष STF, BSAP महिला व पुरुष जिला सशस्त्र बल पुरुष और जिला सशस्त्र बल महिला यूनिट शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान में स्वतंत्र दिवस के मौके पर कुल 17 टुकड़ियों के द्वारा परेड किया जाएगा। पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर और रोहतास में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 11 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों के 1 या 2 स्थानों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पटना जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश के आसार है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 12 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 1 से 2 स्थानों में भारी बारिश के आसार है। बिहार के स्कूलों में अब ड्रोन फुटेज से होगा निर्माण स्थल का चयन।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जुड़े निर्माण योजनाओं में अब ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि ड्रोन से लिए गए फुटेज की जांच परियोजना निदेशक अथवा स्वयं अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर के द्वारा की जाएगी और फिर उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से सूचीबद्ध वेंडरों से तय दरों पर ड्रोन रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि समग्र शिक्षा अभियान की वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्कूलों की आधारभूत संरचना निर्माण के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसका पालन करना अनिवार्य है और साथ ही बाला प्लान का पालन करना भी अनिवार्य है। के पाठक के द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में किलकारी मॉडल को अपनाने को कहा गया है। अब ऑफलाइन भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। बीते दिन आरबीआई की ओर से देश भर के लोगों को यूपीआई पेमेंट को लेकर तोहफा दिया गया है। दरअसल अब आप यूपीआई के जरिए ऑफलाइन होने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन रहने पर आप 200 के बजाय 500 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। बता दें कि आरबीआई के द्वारा लिए गए इस फैसले से डिजिटल पेमेंट की पहुंच देश में और ज्यादा बढ़ेगी। मालूम हो कि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता था कि इंटरनेट या सर्वर में दिक्कत की वजह से पेमेंट फंस जाती थी। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से अब सभी को समस्या से राहत मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंटर स्पोर्ट राउंड का दाखिला शुरू, करना होगा नया आवेदन। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार बोर्ड के इंटर में स्पोर्ट राउंड में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से इंटर स्पोर्ट राउंड दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है जो कि 12 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि संबंधित स्कूल या कॉलेज चयन सूची 13 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। इसकी जानकारी छात्रों को संबंधित स्कूल और कॉलेज के सूचना पट पर दी जाएगी। ऐसे में जिन छात्रों का चयन जिन स्कूलों या कॉलेजों के लिए होगा उसमें छात्र 13 से 15 अगस्त तक दाखिला करवा सकते हैं। बता दें कि स्पॉट नामांकन में उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने ओएफएसएस के माध्यम से आवेदन नहीं किया होगा और उन छात्रों को भी जिन्होंने ओएफएसएस में चयन हो चुका था लेकिन दाखिला नहीं ले पाए थे। इसके अलावा वे छात्र भी जिनका चयन तृतीय सूची में नहीं हो पाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटर दाखिला की प्रक्रिया 17 अगस्त को बंद हो जाएगी। तिलक वर्मा को लेकर उनके पिता ने किया एक बड़ा खुलासा। टीम इंडिया के बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दमदार डेब्यू किया है। इसी बीच उनके पिता नंबुरी नागराजू के द्वारा तिलक वर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान तिलक वर्मा के पिता के द्वारा कहा गया कि तिलक को बचपन से ही क्रिकेट का शौक रहा है। वह हमेशा बल्ले से एक महान क्रिकेटर बनने का सपना देखता था। जब वह छोटा था तो हमने उसके लिए प्लास्टिक का बल्ला खरीदा था। इसके बाद तिलक सोते समय बल्ला और गेंद अपने पास रखता था। उन्होंने कहा कि सलाम सर तिलक के लिए गॉडफादर की तरह हैं। उन्होंने क्रिकेट किट और अन्य मामलों में हमेशा तिलक की मदद की। सलाम सर ने सदैव तिलक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए भी तिलक को पढ़ाई में पीछे नहीं रहने दिया। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी सलाम सर ने उसे पूरा भी किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। अलाउद्दीन हसन गंगू ने 1347 में राजसी सत्ता हासिल की और बहमनी वंश की स्थापना की। दादर नगर हवेली का भारत में 1961 को विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात ने 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपए के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम भारतीय क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म 1892 को हुआ था। भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी लालमणि मिश्र का जन्म 1924 को हुआ था। लघु कथा लेखक मलयाली भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक जॉन अब्राहम का जन्म 1937 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव का जन्म 1949 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 1954 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एमवी नरसिम्हा राव का जन्म 1954 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन का जन्म 1974 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस को फांसी 1908 को दिया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार समीक्षक साहित्यकार आलोचक तथा संपादक नंद दुलारी वाजपेयी का निधन 1967 को हुआ था। अभिनेता पी जयराज का निधन 2000 को हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।
व्हाट्सएप में जल्द आप ग्रुप कॉल्स को कर पाएंगे शेड्यूल। मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहता है। ऐसे में कंपनी के द्वारा एक और फीचर पर काम किया जा रहा है, जिससे कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए लाइव किया गया है। इसकी मदद से ग्रुप्स मेंबर्स कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। कॉल को शेड्यूल करने के बाद मेंबर्स को इसकी जानकारी कॉल शुरू होने के 15 मिनट पहले एक मैसेज के जरिए मिलेगी, यानी रिमाइंडर आपको प्राइमरी मैसेज के अलावा एक तरह से मिलेगा। कॉल को शेड्यूल करने के दौरान आप इसका टॉपिक, टाइम, डेट और कॉल टाइप, वीडियो या ऑडियो चुन सकते हैं। एक तरह से ये फीचर काम का है, क्योंकि शेड्यूल फीचर की मदद से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक आदि पर डिस्कशन कर सकते हैं, साथ ही सभी के आइडिया को लेकर बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको बार बार कॉल के लिए टाइम, डेट आदि को डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। रेपो रेट में नहीं हुई कोई बदलाव, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा मंगलवार को शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के परिणामों का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत उन्होंने जानकारी दी कि इस बार रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि कस्टमर पर ईएमआई के अतिरिक्त और कोई बोझ नहीं पड़ेगा। बता दें कि वर्तमान में रेपो रेट 6.5% पर ही कायम है। गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कहा गया कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मालूम हो कि आरबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस साल की फरवरी से रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यानी कि 2022 के मई से लगातार 9 बार रेपो रेट में वृद्धि की गई है। सीएम नीतीश से भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने की मुलाकात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वर्ष 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के 10 प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने मुलाकात की, जिनमें शुभम कुमार, प्रवीण कुमार, अनिक बसाक, निशा, शैलजा पांडे, शिवाक्षी दीक्षित, अपूर्वा त्रिपाठी, सूर्य प्रताप सिंह, सारा अशरफ और आकाश चौधरी शामिल है। बता दें इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा प्रशिक्षुओं को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग पूरी करने की शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बता दें इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, विपाट के अपर महानिदेशक विनोद सिंह गुंजियाल और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाला सिंह उपस्थित थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन बी डाक कर्मयोगी पोर्टल, ऑप्शन सी परीक्षा संगम पोर्टल, ऑप्शन डी डिजिटल पोर्टल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिजिटल पोर्टल। अगला सवाल, हाल ही में 7 अगस्त को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए शहीद दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन डी गांधी जयंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला सवाल, हाल ही में किस दिन को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 7 जुलाई, ऑप्शन डी 8 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 अगस्त। अगला सवाल, हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? ऑप्शन ए महावीर की कार्यस्थली के कारण, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध की कार्यस्थली के कारण, ऑप्शन सी अधिक बौद्ध विहारों के कारण, ऑप्शन डी क्योंकि यहां बिहार शरीफ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिक बौद्ध विहारों के कारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, कस्तूरी कुमारी, उमेश ऋषिदेव, कमलेश शर्मा, सुदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, रामनवी मांझी, मुटु रंगीला, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद फहीम, सरोह कुमार भारती, ए एस दिनेश, शिवजी कुमार,
राजीव कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के किस पर्यटन स्थल को सरकार के द्वारा विकसित करने की जरूरत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।